हेलो फ्रेंड, मैं इमरान अहमद अंसारी। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाने वाले हैं इसमें हम। तो किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा, चलिए हम सीखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें, इसमें एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से और स्टेप बाई स्टेप सीखा जाएगा किस तरह से बनेगा। इस डिज़ाइन को आप सूट में, कुर्ती में, फ्रॉक में, ब्लाउज में, जिसमें भी चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो फ्रेंड, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन दबा ले, जिससे क्या होगा, इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये बाजू है जिसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से दो कपड़ा लेंगे। आप कोई भी अपने हिसाब से दो कलर ले सकते हैं। एक बाजू का कलर रहना चाहिए और एक कोई भी कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं जो लगाना रहे आपको। और इस तरह का ये 1.5 इंच कटा हुआ है, तो 1.5 इंच इस तरह से काट लेंगे दो, और इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे दोनों को एक साथ। तो इस तरह से हमको दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर लेना है। और ये हमारा ज्वाइंट हो चुका है, इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे और नाखून से इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमको सीधा कर लेना है। उसके बाद हम इसको इस तरफ पलट देंगे और दोनों तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से दोनों तरफ हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। उसके बाद इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे ऊपर बराबर करते हुए। इस तरह से हमको सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हम बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप सूट में, कुर्ती में, फ्रॉक में, ब्लाउज में, जिसमें भी चाहें आप इसमें बना सकते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इस तरह से हमको सिलाई लगाना है ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से बराबर कर लेना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेना है। बराबर करते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम बराबर करते हुए सिलाई लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं इसको काट लेंगे। इस तरह से हमारा कट चुका है, इसको हम इस तरह बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा बराबर हो चुका है, इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक और घुमा लेंगे, ये 4 बार हो गया, इसको हम इस तरह से काट लेंगे। तो ये हमारे 4 फोल्ड है, मतलब 4 बार हम फोल्ड किए हैं। इसके बाद यहाँ से नापेंगे 3 इंच और 3 इंच में काट लेंगे इसको नाप के। तो 3 इंच इस तरह से काट लेना है, नापते हुए 3-3 इंच काटना है हमको। और ये हमारा कट चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से काट लेना है। उसके बाद इसको साइड में रखेंगे हम और ये बाजू लेंगे अपना, इसमें भी हमको निशान लगाना है। तो इस तरह से सीधा करेंगे और इंची टेप लेंगे, यहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो हमको यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो 2.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको मिला देंगे निशान को। इस तरह से लाइन मिला देंगे हम और ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। और नीचे भी 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के हम इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमको इसको इसके ऊपर रखना है, निशान के ऊपर, और इस तरह से मोड़ लेना है। तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमको सब रख लेना है इसके ऊपर और सिलाई लगा के अटैच करना है। तो इस तरह से हमको रखना है एक के बाद एक और सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। तो इस तरह से हम रख लेंगे और सिलाई लगाते हुए इसको हम अटैच करेंगे इस तरह से, रखते हुए सिलाई भी लगाएंगे और अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हमको अटैच कर लेना है सिलाई लगा के। इस तरह से बराबर करते हुए हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हमको एक के बाद एक रखना है और सिलाई लगा के अटैच करना है। इस तरह से ये हमारा सिलाई लग चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम निकाल देंगे, काट के काट लेंगे और इसको भी हम बराबर कर लेंगे। दूसरा तरफ जो हमारा बड़ा हुआ है, इसको भी हमको काट के बराबर कर लेना है। तो इस तरह से हम बराबर कर लेंगे काट के, और ये हमारा बराबर हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारा ऊपर भी कट चुका है। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेना हमको, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और इधर भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसको अटैच करेंगे सिलाई लगा के। इस तरह से बराबर करते हुए हमको सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। इस तरफ भी ऊपर की तरफ हम इस तरह से सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे एक के बाद एक। इसी तरह से हमको सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हम बराबर करते हुए सिलाई लगा के इस तरह से अटैच करेंगे ऊपर की तरफ एक के बाद एक। इसी तरह से हमको अटैच करना है बराबर करते हुए, इस तरह से हम अटैच कर लेंगे।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमको अटैच कर लेना है और ये हमारा अटैच हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लुक लग रहा है इसका। इसके बाद क्या करना है, हमको इस तरह से पट्टी लेना है 1 इंच की और इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से पतला, एकदम पतले ही फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड, और इसको हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से, सिलाई लगा लेंगे एक तरफ हमको इस तरह से सिलाई लगाना है पतला फोल्ड करते हुए एकदम। तो इस तरह से हम एक तरफ पतला एकदम फोल्ड करके सिलाई लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा सिलाई लग चुका है, इसको काट लेंगे, ये हमारा काट लेंगे। इसके बाद हम दूसरी तरफ इस तरह से रखेंगे और इसमें चुन देंगे, इस तरह से चुन देते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमको इसमें गेजिंग बनाना है, तो इस तरह से हम चुन देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम दूसरी तरफ चुन बना लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हमको चुन लगा लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी डिजाइन है, इस तरह से हम चुन लगाएंगे और ये हमारे चुन लग चुका है, इसको हम काट लेंगे। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और सिलाई लगा के इसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम बराबर करते हुए सिलाई लगा के इसमें अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से बराबर करना है और सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। ये हमारा अटैच हो चुका है, जो बढ़ेगा एक्स्ट्रा कपड़ा उसको काट लेंगे। उसके बाद इस तरह से हमको कोई भी लेस ले लेना है, आप अपने हिसाब से लेस ले सकते हैं। उसके बाद जॉइंट जो हमारा रहेगा, दोनों जॉइंट के बीच में रख के हमको लेस को इस तरह से अटैच कर देना है। तो ये हम इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे और ये हमारा लेस अटैच हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ ये कपड़ा लगाएंगे, ये 2.5 इंच का कपड़ा है, इसको हम इस तरह से लगाएंगे। तो हम बाजू को उल्टा करेंगे और इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा अटैच हो चुका है, इसको हम सीधा करेंगे, सीधा करके इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमको ऊपर सिलाई लगा लेना है, इस तरह से बराबर करके हम ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा इस तरह से सिलाई लगेगा। ये सिलाई हो चुका है, इसको काट लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डिजाइन बन के तैयार हुआ है ये बाजू का। इसको हम इस तरह से साइड भी सिलाई लगाएंगे, साइड में जो आप अपने फिटिंग के हिसाब से लगा सकते हैं सिलाई, जो भी फिटिंग रखना चाहें आप अपने हिसाब से, फिटिंग के हिसाब से जो भी रखना चाहें उस हिसाब से आप साइड सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमको साइड में सिलाई लगा लेना है और ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसको हम सीधा करके आपको दिखाएंगे किस तरह से ये हमारा डिजाइन बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमको सीधा कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डिजाइन बन के तैयार हुआ है। तो इस डिजाइन को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।